Hello everyone, welcome to The Hustlers. This is Deepak Singh and today let me ask you a question. If you among those जो अपने 9th 10th में कुछ plans बना रहे होते हैं कि हमको जो है 11th 12th class में जाके IIT JEE की preparations करनी है, like 2 year coaching करेंगे, then पूरी मेहनत करके जान लगा के JEE Main का exam qualify करेंगे, JEE Advanced का exam qualify करेंगे, then किसी बढ़िया से engineering college में, IITs में, NITs में, IIITs में, BITS, VIC, Thapar में जाके जो है इंजीनियरिंग करेंगे इन बीटेक कंप्यूटर साइंस, 4 साल की इंजीनियरिंग करेंगे, मेहनत करेंगे एंड देन उसके बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनके एक जॉब प्रोफाइल में पैसे कमाएंगे। इफ योर आंसर इज यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू देव बलेचा। देव बलेचा इज अ 12th स्टैंडर्ड स्कूल स्टडिंग बॉय हु इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट फोसेसिया। ही इज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। देव के पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, देव किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट है जिनका बोर्ड्स का एग्जाम भी पोस्टपोन हो रहा है। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं फोसेसिया में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस के थ्रू। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन देव ने 13 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिए थे एंड आज 17 साल की उम्र में वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। एंड ये उनकी जो जर्नी है, लाइक 13 ईयर में ओपन सोर्स को स्टार्ट करना, 17 ईयर की उम्र में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना विदाउट एन इंजीनियरिंग डिग्री, इसी बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आप इससे बहुत कुछ नया सीख के जाओगे। सो हेलो देव, वेलकम टू द हसलर्स। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन। तो आप बेसिकली हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं एंड आपने अपने स्कूल टाइम में कुछ से आप ऑलरेडी बिना एक ग्रेजुएशन डिग्री के सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुके हैं। तो इस बारे में आपसे थोड़ी यू नो इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, लाइक कोर्स पे कंट्रीब्यूशंस करके इसको अचीव किया है, तो एक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, लाइक आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? हम इसी के थ्रू तो आइडिया आया होगा, हम लोगों के पास तो नहीं आया, तो आपके पास ये आइडिया कैसे स्ट्राइक हुआ ओपन सोर्स का एंड आपने कैसे स्टार्ट किया वो? हाँ, सो हेलो एवरीवन, मायसेल्फ देव, है ना। सो मैंने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था ओपन सोर्स में एट द एज ऑफ 14। मैंने सबसे पहले कहाँ से आया था मेरे को आइडिया, मेरे को मेरे ब्रदर ने गाइड किया था, वो HD है नेटफ्लिक्स में। सो उनने मेरे को गाइड करना स्टार्ट किया, भाई देव तू ना स्टार्ट कर कंट्रीब्यूट करना, है ना, और तेरे को मतलब आगे चल के बेनिफिट होगा, है ना। सो उनकी वजह से मेरे को उसके बारे में पता चला कि भाई ओपन सोर्स नाम करके भी कोई मतलब चीज़ होती है। और जब वो मतलब घर पे आए थे, डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, तो मतलब उनसे मैंने पूछना स्टार्ट किया था, भैया ये कैसे कर रहे हो, मतलब मेरे को भी सिखाओ, है ना। सो मतलब एक जब की बात है ये 2014 में, मतलब कुछ कम लोग ही थे जो फैमिलियर थे ओपन सोर्स वर्ल्ड से। वो IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उनकी मतलब ब्रांच थी, है ना। तो वहाँ से उनने मतलब उनको बहुत मतलब वो हर मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना है हैकाथॉन में, है ना। तो मेरे को भी पता थे ये करना है, ये ऐसे ऐसे करना है ना। सो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। फिर आज मैं डेवलपर हूँ फोसेसिया में, है ना, और मतलब मैं सबको मतलब गाइड करता हूँ। आई हैव मेंटर्ड अराउंड 500 प्लस स्टूडेंट्स टू गेट इनटू द ओपन सोर्स वर्ल्ड एंड कंट्रीब्यूट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, है ना। सो यही है ना इंट्रोडक्शन पे। तो सो नाइस देव, आपसे मतलब ये सब बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि अब जो बड़े लोग हैं उनको तो अपनी जॉब वॉब छोड़ देनी चाहिए। काइंड ऑफ जो चीज़ लोग अपने 25-26 ऐसी वाली एज में अक्वायर करते हैं, आपने वो अभी कर लिया है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू भाई। सो नेक्स्ट जो है यार बात वो है कि जिस एज में यार बच्चे जो हैं वो सैन एंड्रियास और वाई सिटी और ये सब गेम्स खेलते हैं, आप उस एज में ओपन सोर्स कर रहे थे, ठीक है। अब आपका इन्फ्लुएंस रहा, आपने जैसे बताया आपके ब्रदर का कि उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया और बताया कि हाँ आपको ओपन सोर्स करना है, उसके बाद आपने क्या किया? एक इंडिविजुअल है और उसको ओपन सोर्स के अंदर जाना है, ठीक है, और उसको अभी कुछ बेसिक स्टफ आता है, ठीक है, कि उसे बस हाँ ये है कि उसने कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी सीखी है, फॉर एग्जांपल उसने जस्ट HTML CSS सीखा है, ठीक है, लेकिन उसको ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूशन करना है, उसे ओपन सोर्स वर्ड बहुत अच्छा लगा है, तो आप उसके बारे में क्या बताओगे कि स्टार्ट कैसे करा जाए?
जैसे भी मतलब कोई भी मतलब बिगिनर है स्टार्ट करना चाह रहा है कॉन्ट्रीब्यूट करना है ना ओपन सोर्स वर्ल्ड में, तो वो कैसे स्टार्ट करे? सबसे पहले उसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम से फैमिलियर होना पड़ेगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है क्या, है ना, और मतलब उसके बारे में जाने, है ना। और देखो तुम जब ओपन सोर्स वर्ल्ड में आते हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, खुद ही ना बग चेक कर रहे हो, खुद ही ना उसको क्या बोलते हैं चेक कर रहे हो, उसके बाद है ना खुद ही उसका कोड लिख रहे हो, खुद ही उसका टेस्ट कर रहे हो, है ना। तो तुम है ना क्या बोलते हैं उसको बिल्ड से लगा के तुम है ना उसको टेस्ट तक कर रहे हो, तुम्हारी टेस्टिंग तक की प्रोसेस हो जाती है। तो वहां से ना तुम्हारी ना एक तरीके से स्किल इतनी अच्छी हो जाती है कि ना मतलब तुम डेवलपमेंट भी कर सकते हो, उसके साथ तुम टेस्टिंग भी कर सकते हो, उसके बाद तुम डिप्लॉयमेंट टीम भी जा रहे हो, सर्वर से तुम फैमिलियर हो रहे हो, तुम नई नई टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होते हो, एंजिनिक्स क्या होता है ना, और क्या बोलते हैं क्यूबरनेटिस क्या होता है, डॉकर की इमेज कैसे स्टोर करनी है, ये क्या करना है ना। सो ये सारी चीजें रहती हैं, है ना। तो कोई भी बिगिनर है तो उसको सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा कि ना तुम भाई सबसे पहले कुछ एक अपना टेक स्टैक सुन लो, टेक स्टैक क्या मतलब रहना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो टेक स्टैक में मतलब तुम सबसे पहले आजकल सबसे फेमस है मॉन स्टैक, है ना, तो तुम उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन आगे चल के तुम रूबी ऑन रेल्स पे चले जाओ, या कि क्या बोलते हैं कोई सा भी मतलब डेवलपमेंट में चुन रहे हो, है ना, तुम एम्बर जीएस डेवलपर बन जाओ, तुम रियक्ट जीएस डेवलपर बन जाओ, तुम पहले सबसे पहले टेक स्टैक चुनो अपना कि भाई ये टेक स्टैक रहने वाला है, मैं फ्रंट एंड में एंगुलर चुनूंगा और मैं बैक एंड में नोड जीएस को चुनूंगा अगर तुम्हें डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, मैं मशीन लर्निंग की तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उससे फैमिलियर नहीं हूँ, है ना, या तो मैं उधर कॉन्ट्रीब्यूट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह मेरे को उससे मैं उससे फैमिलियर नहीं हूँ, सिर्फ मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा कि तुम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते, ठीक है। सो सबसे पहले तो तुम्हें ना वीसीएस लर्न हो गया, उसके बाद तुमने टेक स्टैक भी चुन लिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ना उसको टेक स्टैक को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो पहले, तो मतलब उससे सीखो कि ना भाई ऐसे ऐसे पेजेस बनते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं हम इसको ना ऐसे बिल्ड करते हैं, ऐसे डिप्लॉय करते हैं, और क्या बोलते हैं जैसे मेरे को कुछ डिजाइन करना है, लेट सपोज मेरे को है ना क्या बोलते हैं फेसबुक डिजाइन करना है, तो मैं फेसबुक कैसे डिजाइन करूँ, मेरे को है ना लो लेवल डिजाइन आनी चाहिए उसके लिए स्पेसिफिकली, है ना, तो तुम वो सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये रहेगा सबसे पहले तो मतलब स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो देव भाई जैसे कि आपने बोला कि हमें पहले टेक स्टैक चुनना होगा, जैसे आपने मर्न का नाम लिया या फिर कोई सा भी अगर हम टेक स्टैक लेना चाहते हैं, लेकिन अगर एक नया स्टूडेंट है, ठीक है, और उसे ये डाउट है कि मैं कौन से टेक स्टैक पे जाऊं, कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, या जिस वो कैसे चूज कर पाएगा, क्योंकि हम लोग अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे एक्सप्लोर करें कौन सा टेक स्टैक हमारे लिए बेहतर है? सो ये डाउट है ना सबको आता है, मतलब भाई कि ना सबसे पहले अपन बिगनर हैं एकदम, मतलब भाई शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या टेक स्टैक करना चाहिए अपना? तो सबसे पहले तो यार मतलब तुम चाहे कोई सा भी टेक स्टैक चुन लो, जावास्क्रिप्ट आए या टाइपस्क्रिप्ट आए, है ना, तो ये आना चाहिए शुरू शुरू में तो, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, थोड़े से जेएस में प्रोजेक्ट बना लो, लेट सपोज तुमने एक क्लॉक बना ली, ठीक है, और ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट बनाओ और टू डू लिस्ट टाइप के प्रोजेक्ट बना लिए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। फिर उसके बाद तुम्हें Vue.js चुनना है, Next.js चुनना है, React.js चुनना है, Angular चुनना है, वो स्पेसिफिक बात नहीं है, ये बात है सबसे पहले तुमने अपने बेसिक्स सही कर लिए, मतलब तुमने जावास्क्रिप्ट को एकदम अच्छे से कर लिया, ठीक है। सो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब एक स्टेप चुनने की बारी आती है। देखो आज के टाइम में 2021 में सबसे ज्यादा पॉपुलर है React.js, ठीक है, और इसी का ही है ना एक ब्रदर है Next.js, ठीक है। तो तुम्हें इस हिसाब से टेक स्टैक चुनना होगा। देखो मतलब जब भी कोई कंपनी एक सर्विस बेस्ड होती है और एक प्रोडक्ट बेस्ड होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, जैसे सर्विस बेस्ड आती है तो तुम मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो कार में एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, ठीक है, लेट सपोज इन्फोसिस, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, मान लो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी आई, उनने बोला कि है ना क्या बोलते हैं हमें ये प्रोडक्ट आप बना के दे दो, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो
अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोलेगी कि ये ना आप ये प्रोडक्ट को इस लेवल से इस लेवल तक ले जाओ, और वो प्रोडक्ट में कौन सा टेक स्टैक चूज करेंगे वो उनकी मर्जी है ना। तो टेक स्टैक मतलब तुम उसको चुना जाता है कि ये ना मतलब तुम्हें किस चीज किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है एट द एंड, है ना। तो तुम सबसे पहले उस लेवल पे चुनो कि ना मतलब तुम्हें किस लेवल का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी तक तुम्हें ना उसके मतलब टेक स्टैक की मतलब नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो इस हिसाब से टेक स्टैक चुना जाता है, ठीक है। वैसे चुनने की बात हुई तो मतलब चूज करने की बात हुई तो ठीक है, तो ऐसे चूज किया जाता है। लेकिन अभी तुम अभी एक फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो 90% ये सजेशन रहेगा मेरी साइड से कि तुम रिएक्ट जेएस को चूज करो, ठीक है। 2021 में वो सबसे पॉपुलर है। 99% तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे एंगुलर और रिएक्ट जेएस में, काय पे गिटहब पे कंट्रीब्यूट करने के लिए ओपन सोर्स में, है ना। तो यही रहेगा कि ना सबसे पहले तुम टेक स्टैक चुनो, तो है ना तुम रिएक्ट जेएस में मर्न को चुनो, या फिर तुम React JS के साथ Django को भी ले सकते हो, लेकिन वो ज्यादा मतलब आपस में वो नहीं होते हैं, मतलब समझ रहे हो, है ना। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि तुम सबसे ज्यादा मन स्टैक को चुनना सर। तो आई गेस अब सबको समझ आ गया होगा कि आपको टेक स्टैक कैसे चुनना है अपना, और सबसे मेन बात जो देव ने कही आई गेस वो थी प्रोजेक्ट्स की। तो आप सब कोई भी टेक स्टैक चुन रहे हो उसमें प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो टेक स्टैक सही है, प्रोजेक्ट्स को भी बनाओ। फॉर्मेशन अब आते हैं अपने मतलब की बात पर। तो ओपन सोर्स इज क्वाइट गुड, जैसे कि हमने जान लिया कि हमें ओपन सोर्स में स्टैक वगैरह करना चाहिए। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, हाउ इट विल हेल्प इन टू गेट इन टू द GSOC टाइप दिस थिंग, एंड द GSOC वर्ड इज basically related to Google Summer Script of code. And one more thing, what we can take the benefit from the open source to be become a freelancer, and how to gain our skills to be become a freelancer. To us pe aap kya batana chahiye, tumhe tag stack to chun liya hai na, ab rahi baat tumhari benefits ki ki tumhe open source se kya kya benefit hota hai. Dekho, तुम कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की रोल के लिए अप्लाई करोगे या किसी भी आईटी कंपनी में तुमने अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे वो सर्विस बेस्ड हो, तुम्हें ये स्किल आ जाती है कि तुम टेस्ट करना भी सीख जाते हो फीचर को, या कोई भी बग है कैसे मतलब उसको सही हुआ है कि नहीं हुआ है, पहली बात। तुम उसका कोड लिखना सीख जाते हो, जैसे तुमने प्रोजेक्ट बना लेते हो, एट द एंड मेरे को ये पता रहता है कि 90% बच्चे कॉपी कर लेते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन रहता क्या है कि जब भी तुम मैंने क्या बोलते हैं किसी भी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो ऑर्ग में या उसकी रिपोजिटरी में, तो वो इशू की स्पेसिफिक तुमने जो कोड लिखा है वो तुम्हें कोड करना आ जाता है, वो तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि ना वो कोड किसकी वजह से आ रहा है, मतलब वो बग किसकी वजह से आ रहा है ना, और उसको फीचर को लाना है तो वो कैसे लाना है, उसका पेज बनेगा, उसके बाद उसमें बटन आएगा, उसके बाद अपन को उसको सर्वर से लिंक करना है, उसके बाद है ना उसको डिप्लॉय करना है, अभी डेवलपमेंट वाली ब्रांच में डालना है, फिर उसके बाद उसको ना क्या बोलते हैं मेरे को उसको ना मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है, ये सारी चीजें तुम सीख जाते हो। और बेनिफिट ये रहता है ओपन सोर्स करने से, एक तरीके से तुम मेरा फ्रीलांसिंग में भी आ जाते हो, मतलब जो तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो कैसे, जैसे तुमने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिया आज से, ठीक है, तुमने स्पेसिफिकली मन स्टैक में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, कोई भी और पब्लिक लैब हो गई लेट सपोज, तो वहाँ पे पब्लिक लैब में तुमने ना क्या बोलते हैं उसके सॉफ्टवेयर पर कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब ना तुमने उनकी सारी उससे फैमिलियर हो गए कि भाई ये सॉफ्टवेयर ऐसा चल रहा है, ठीक है, अब मैंने ये फीचर ले आया, इस फीचर से क्या होगा, जब भी तुम इस पर क्लिक करोगे तो ना ये तुम्हें ना एक ऐसी उस पर ले जाएगा, एक ऐसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा जो है ना उससे लिंक कर रही हो, और है ना क्या बोलते हैं आपस में उसका वो हो रहा हो ऑथेंटिकेशन, जैसे लेट्स सपोज ऑथेंटिकेशन, तुमने लॉग इन पेज डिजाइन किया,
और तुमने उस पर API लिया क्या की गूगल साइन इन की, ठीक है, तो तुम्हें वो चीज आ जाती है और ऐसे ही करके तुमने एक अपनी अच्छी सी वेबसाइट में कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हो और वैसे ही तुम्हें ना उससे जो तुमने लर्न किया है वो तुम्हें ना वो तुम आके फ्रीलांसिंग में यूज कर सकते हो एंड ओपन सोर्स से लर्न करो है ना और फ्रीलांस आके फ्रीलांसिंग पे अपने मनी अर्न कर सकते हो, ये बेस्ट रहता है। ठीक है, ओपन सोर्स को मतलब एक तरीके से तुम लर्न करने का प्लेटफॉर्म समझो, वहां से भाई कुछ सीख रहे हैं अपन और उसके बाद में तुम आके उसको अप्लाई कर रहे हो वहां पे अपनी फ्रीलांसिंग पे। ठीक है, ये करो। तो ऐसा कुछ होता है कि ओपन सोर्स को समझते हैं, यानी ओपन सोर्स करना यानी जीसॉक में एंट्री, तो लोग थोड़े बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है या हाँ बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जीसॉक में एंट्री करने का, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ मतलब होता है ओपन सोर्स का कि उसके लिए हम बहुत सारी जो नॉलेज होती है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक काम आ जाता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम, कुछ हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है जिससे हम कंपनी के नजर में आ जाते हैं। तो इसके बारे में आप कैसे बताओगे कि जीसॉक जो होता है वो बेसिकली इज नॉट एन ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स इज नॉट बेसिकली अ जीसॉक, ओपन सोर्स के बहुत सारे वैल्यूज हैं करने के लिए, तो इसको आप कैसे बताना चाहेंगे? मैं मतलब तुम्हें ओपन सोर्स डिफाइन करूं तो ओपन सोर्स का मेरे साइड से क्या मतलब निकलता है, जीसॉक का क्या मेरे साइड से मतलब निकलता है, मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, मेरे साइड से ओपन सोर्स का मतलब है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे तुम अपना आके योगदान दे रहे हो, उसमें कुछ ना योगदान दे रहे हो और वो जो कोड है, मेरा कोड लाखों यूज कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं वो यूज कर रहे हैं, या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं वो मेरा कोड यूज कर रहे हैं, ये होता है ओपन सोर्स, ना कि जीसॉक में सिलेक्ट होना, ना कि कहीं आके अपना मतलब $1500 या $3000 या $6000 आउटरीच में सिलेक्ट हो जाना, ये नहीं होता ओपन सोर्स। ठीक है, और मैं स्पेसिफिकली जीसॉक की बात करूं तो ठीक है, जीसॉक में ना गूगल ने क्यों स्टार्ट किया था, गूगल ने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि है ना बच्चे आए कंट्रीब्यूट करें और उसका ओपन सोर्स का रियल मीनिंग जाने, लेकिन है ना ये एक बहुत तरीके से नेगेटिव वे में चला गया है आज के टाइम पे, स्पेशली इन इंडिया में। ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा है, लोग सोचते हैं कि भाई मैं तुमसे बोलूं कि है ना जब भी कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है वो ना जीसॉक का नाम सुन लेता है, भाई जीसॉक नाम के करके कोई चीज होती है और अपन को इसको है ना क्रैक करना है, भाई वो एक तरीके से यूपीएससी नहीं है, ना कोई तुम्हारा एंट्रेंस टाइप का एग्जाम है जो तुम्हें ना उसको क्रैक करने की बात कर रहे हो, भाई जीसॉक में जाना है अपन उसको क्रैक करेंगे और ना आज अपन ने नहीं क्रैक किया तो भाई अपने पूरे 4 साल रहा है अपन को ना कुछ नहीं होगा, ये नहीं करना यार, है ना। सो एक तरीके से तुम जीसॉक गूगल ने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि ना बच्चे आए और ना वो गूगल इसलिए फंड करता है, आज के टाइम पे गूगल ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन आती है उसको $400 देती है। ठीक है, क्यों देती है, क्योंकि वो अच्छे मेंटर्स को चुने, ठीक है, अच्छे मेंटर्स को चुनेंगे और उसके बाद ना अच्छे स्टूडेंट्स को ले, अच्छा प्रपोजल ले और ना वो जो बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन के टिके रहे जीसॉक पीरियड के ओवर होने के बाद भी, है ना जी, तुम आए, तुम अभी अप्लाई किया कायवे फरवरी में तुमने एप्लीकेशन भर दी और ना क्या बोलते हैं मई से स्टार्ट हो गया तुम्हारा और तुम्हें ना क्या बोलते हैं तुमने 3 महीने कंट्रीब्यूट किया अपने ऐसे 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 जीसॉक में और क्या बोलते हैं तुमने ना वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, ये नहीं करते, ये नहीं करना है, ये मोटिव नहीं था गूगल का तुम्हारा स्टार्ट करने का प्रोग्राम, अगर ऐसे ही करोगे तो ना आज के टाइम पे गूगल कोडिंग बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, क्योंकि है ना बच्चे आते हैं वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं और है ना ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, ये गलत है यार, है ना। सो आना है, कंट्रीब्यूट करना है, करते रहना है, ऑर्गेनाइजेशन में अपना कुछ योगदान देते रहना है ना कि भाई, और
यही मोटिव होना चाहिए हर स्टूडेंट्स का जो मतलब जीसॉक में आना चाहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से जीसॉक हर हर साल 2 से 2500 बच्चे इंडिया में निकाल लेती है, मतलब हर साल, और 99% बच्चे इंडिया से होता है। उसको पता है कि ये ना भाई जीसॉक नाम की कोई चीज है और मैं उसको क्रैक करूंगा, है मैं उसको क्रैक करूंगा और मैं ना उसमें घुसूंगा और मैं ना क्या बोलते हैं जीसॉक क्रैक कर लूंगा, भाई ये नहीं करना यार, है ना, ठीक है। That's very nice. I guess बहुत ही ज्यादा सही एक्सप्लेन किया है आपने, और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया बहुत ही सही लगा मेरे को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने मुझसे ये बोला है कि भाई जी सॉक का प्रपोजल डालना है मेरे को, मैंने बोला गिटहब अकाउंट दिखाओ अपना, मेरा गिटहब अकाउंट नहीं है। इस लेवल के लोगों से भी मैं मिल रखा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग हमेशा कॉम्पिटिशन के पीछे भागते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये चीज को क्रैक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। पैसा जहां पर आना शुरू हो जाता है वहां पर कंट्रीब्यूशन खत्म होने लग जाता है, और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप लोग किसी कॉज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो दैट्स इट, ये बहुत ही सही पॉइंट लिया आपने, थैंक्स ओपन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। सो देव, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स की यहाँ पे बात हो रही, तो एक बीटेक स्टूडेंट के लिए एडवांटेज के नाम पे कि वो अपनी सीवी में क्या लिख सकता है और उसे वो कैंपस प्लेसमेंट्स या कैंपस इंटरव्यू में कैसे हेल्प कर सकता है। तो अगर हम एक ओपन सारे यू नो ऑर्गेनाइजेशन में रिपोजिटरीज में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रखे हैं, तो हाउ कैन इट हेल्प इन प्लेसमेंट्स में हमको हेल्प दे सकता है, इंटरव्यू में कितना ये हमको यू नो अपने इंटरव्यू को इम्प्रेस करने में मदद कर सकता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। बात करूं तो मैंने प्लेसमेंट में कैसे ये फायदा करेगा, मतलब ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना। देखो जब भी तुम जाते हो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और बोलते हो कि ना मेरे को हायर करो, वो क्या देखते हैं आजकल रिक्रूटर्स देखते हैं ओपन सोर्स में तुमने कितना कंट्रीब्यूट कर रखा है ना, वो देखा जाता है। और वो कैसे देखा जाता है, कंपनी ये चाहती है कि तुमने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया है वो देखेगी, है ना। और वो कैसे देखेगी कि लेट सपोज तुमने कोई भी बग फिक्स किया, आज एक प्रोग्राम चलता है बग बाउंटी करके, है ना, और उसमें उसमें तुमने अगर मतलब कोई भी अच्छी ऑर्ग में लेट सपोज तुमने कोई भी बग फिक्स किया तो तुमने वो कैसे बग फिक्स किया है और तुमने क्या अप्रोच लगाई है वो भी आजकल रिक्रूटर्स पूछते हैं, ठीक है। और ये भी है ना एक तरीके से ओपन सोर्स में तुम्हें लाने में, और ना क्या बोलते हैं हर बच्चा ये चाहता है कि मतलब मैं ओपन सोर्स वर्ल्ड में आ तो जाऊं लेकिन है ना मेरे को उससे कुछ फायदा हो जाए, है ना, और मेरे को कुछ मतलब उससे प्लेसमेंट में फायदा हो जाए। अभी की बात करूं जो पेटीएम जब हायर कर रही है आज के टाइम पे, पेटीएम ने एक बंदे को हायर किया था, नवनीत नाम है उसका। वो बंदे ने 2016 से लगा के उसका मतलब चालू हुआ था कॉलेज, और 2020 में अभी खत्म हुआ था कॉलेज। उस बंदे ने क्या किया है, 4 साल पूरे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, और पेटीएम ने उसको आज अमेजोन से ज्यादा अच्छा पैकेज दिया है, अमेजोन 27 का पैकेज देती है। जब भी उसने कोई नेगोशिएशन नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसको डीएसए आता था, उसने लीड कोड पे क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कैसे, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से। कैसे हुआ, उसने उसके कंट्रीब्यूशन देखोगे तो उसने 3000 पुल रिक्वेस्ट मार रखी है अभी तक, है ना, और उस बंदे ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया था आज उसका अमेजोन से ज्यादा CDC है ना उसका। आज की बात करोगे तुम कहीं भी देख लो, कोई सी भी वेबसाइट पे चले जाओ, 15 का CDC है कायरा पेटीएम का, अमेजोन 27 से 28 का पैकेज दे रही है आज के टाइम पे HD1 को, अगर मैं ना NIT और IIT बात नहीं करूँ तो, ठीक है, इतना पैकेज दे रही है, ठीक है, ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो। उस बंदे ने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था पेटीएम में, उसको उसके राउंड क्लियर हुए, और जब नेगोशिएशन की बारी आई तो उस बंदे को ओपन सोर्स ने इतना फायदा किया कि है ना उसका
जो जितना है ना पेटीएम 15 से लगा के उसका आज 3 times पैकेज है, 15 या 45 से थोड़ा सा कम, 39 का CTC थी या पेटीएम उसे नवनीत को है ना। तो ओपन सोर्स इतना बेनिफिट कर सकता है तुम्हें, तुम ये सोच सकते हो। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ कैंपस अप्लाई किया था उसने, सोच लो है ना। सो ये रहता है ना। और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से, कोई भी बग फिक्स करने से, कोई भी मतलब पीआर मारने से ये नहीं हो जाता है कि मतलब तो इस बंदे ने कुछ किया है, उस बंदे ने सही में रियल में मेहनत की है, वो ओपन सोर्स बता देता है उसको। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। वो सब मतलब हर कोई जेई मेन जेई एडवांस क्लियर करने के बाद ही सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है ऑलमोस्ट, जो बीटेक वगैरह कर चुके होते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस से जो बीटेक करते हैं, उनकी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, वो कितना हार्डवर्क करते हैं। सो उसी के डिपेंड पे वो, उसी पे ही मतलब उसी के भरोसे ही वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं। तो आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया एट द एज ऑफ 17? हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने अभी भी आप एशिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर हो? हाउ इज इट? तो मैं बात करूं एट द एज ऑफ 17 कि मतलब कोई भी है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकता है। देखो बात ये रहती है कि ना मतलब पहली बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में है ना। और सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम जब बोल सकते हो जब तुम्हें मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाती है और तुम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो है ना, तब तुम डेवलपर कहलाते हो। लेकिन देखो मैं ये बोलूँगा कि मतलब अभी के टाइम पे कोई भी तुम देख लो अपनी जनरेशन से छोटा कोई भी देख लो ना, भले वो है ना क्या बोलते हैं 15 साल का हो, भले वो है ना 17 साल का हो, कोई भी आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। ठीक है, और कोई भी आज के टाइम पे अच्छी ऑर्ग में कंट्रीब्यूशन करके, जे बॉस में कंट्रीब्यूशन करके या क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके या ऐसी जो जितनी भी ओपन सोर्स ऑर्ग है वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके तुम आज के टाइम पे डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, तुम उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, और क्या बोलते हैं वहाँ पे ना अपना स्किल को शो करो। ठीक है, कि तुमने कितना लर्न किया है। ठीक है, और उसको एक तरीके से शो करो ये, और ये कैसे आता है मतलब तुमने कुछ अच्छा लर्न किया होगा, तुमने उसको वहाँ पे कुछ आके कंट्रीब्यूट किया होगा है ना, और ना तुमने वहाँ से कुछ मतलब तुम वहाँ से कुछ सीख के गए होगे। ठीक है, ये रहता है पहली बात तो। और रही बात सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की, ठीक है, तो मतलब मैं ये बोलूँ तुमसे कि मैं हूँ, मेरे से कोई छोटा है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, कैसे है उसने क्या बोलते हैं ना तो है ना क्या बोलते हैं जेई मेंस किया है ना तो उसने क्या बोलते हैं कॉलेज किया है ना तो उसने कुछ किया है। देखो पहली बात तो रहता है इंटरेस्ट, जहाँ लाइक कर रहा हो वहाँ पे तुम चले जाओ। ठीक है, और है ना वहाँ पे तुम आना जाके मेहनत करो, और वहाँ पे तुम है ना जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तुम आके ना कॉन्ट्रीब्यूट करके तुम है ना उसमें एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ। ठीक है, इंटरेस्ट आना चाहिए बस, एक तरीके का तो यही पार्ट है मेरे साइड से। वो इंटरेस्ट आपका स्कूल लाइफ में कैसे जाएगा, मतलब आपको आपके भैया ने इतना मोटिवेट करा कि आपने सही में वो सारा काम करा? बिकॉज़ इतना मोटिवेशन के बाद ही कर पाते हैं, जब अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है आपको, काफी इंटरेस्ट था इसका मतलब? या सो मतलब देखो एक तरीके से ये रहता है जनरेशन की अवेयरनेस, मतलब मेरे से छोटी वाली जनरेशन को कितना अवेयर है मेरे से, जितनी मतलब आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ठीक है, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए, ठीक है यूट्यूब है आजकल सारा कंटेंट है ना अवेलेबल है। मैं जब ने मैंने जब 2018 में स्टार्ट किया था मतलब कोडिंग करना मतलब कंट्रीब्यूट गेटअप बेटअप प्रोफाइल बनाई थी 2018 में, तो मैंने ये नहीं देखा था भाई कि ना मतलब मेरे को इंटरेस्ट था उस चीज़ में। मेरे को पहले मतलब कुछ नेटवर्किंग से इंटरेस्ट था लेकिन मैं वहाँ गया नहीं, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। यही रहता है, मेरे को ज़्यादा डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ गया।
ठीक है, मैंने वहीं पे ये ना क्या बोलते हैं अपना काम करना चालू किया, वहीं पे मैंने डेवलपमेंट करना चालू कर दिया, वहीं से मैंने कुछ सीखा, वहीं से मैं ना उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया, वहीं मैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया, ये रहता है। So Dev, I wanted to ask you, like, open source is a big ocean. A student who has learned technology like GitHub, etc., how can he find his goldfish in this big ocean? How can he find the organization suitable for him? So मैं बात करूँ perfect organization ढूँढने की, है ना, कि ना अपनी perfect organization कौन सी रहने वाली है अपने हिसाब से, जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ, जहाँ से मैं कुछ फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, जहाँ से मेरे को प्लेसमेंट भी फायदा हो जाए, जहाँ से मेरा जीशॉक भी निकल जाए, जहाँ से ना लड़की हो तो आउटरीच निकल जाए, जो भी हो, है ना। मैं बात करूँ कि ना परफेक्ट क्या रहने वाला है, परफेक्ट और कौन सी रहने वाली, परफेक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी तुम्हारे लिए। जब भी कोई बिगिनर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेट सपोज कोई मतलब नहीं मेरे को आता है ओपन सोर्स वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो उसको सबसे पहले तो मैंने बताया कि गिटहब आना चाहिए। गिटहब आ गया, ठीक है, तुमने मेंशन किया कि गिटहब आता है, ठीक है, गिटहब आ गया, ठीक है, और तुमने कोई भी है ना अपना टेक स्टैक अच्छे से कर लिया, मतलब लेट सपोज तुमने ऑर्गेनाइजेशन, देखो दो तरीके से होता है, सबसे पहले तो है ना आज के टाइम में परफेक्ट वे है ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने का, क्या कि है ना तुम क्या करो, जीसॉक की वेबसाइट पे जाओ, उसको है ना अपने ना रेफरेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लो कि भाई मेरे को वेब डेव में कंट्रीब्यूट करना है, चाहे मेरे को है ना क्या बोलते हैं क्लाउड में कंट्रीब्यूट करना है, चाहे ना क्या बोलते हैं सबसे बेस्ट वे है क्या जीसॉक की वेबसाइट को रेफर करने का ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने के लिए, ठीक है। और तुमने जैसे लेट सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ ली अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग, तो तुमने वहां पे कंट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, और ना अब तुम्हें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करना है, एक एक क्वेश्चन भी होता है, ठीक है भाई मेरे को ना इस ऑर्गेनाइजेशन में सही नहीं लग रहा है, ये सॉफ्टवेयर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये कैसे चीज काम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है मतलब। तो मैं ये बोलूंगा कि ना तुम सबसे पहले तुमने क्या ट्राई मारा कि है ना तुम्हें कुछ टेक स्टैक सीख लिया और है ना उसके बेसिस पे तुमने ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर लिया, 10-12 तुम्हारे को ना वेब डेव में ऑर्गेनाइजेशन मिल गई जीशॉक का वेबसाइट रेफर करने के बाद, और अब तुम उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया लेकिन तुम्हें मजा नहीं आया, मजा नहीं आया मतलब इन द सेंस तुम्हें ना उस ऑर्गेनाइजेशन का समझ में नहीं आया, सॉरी, सो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि ना तुम ना ऐसा कर सकते हो कि तुम वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी चीजें ढूंढो कि ना मतलब उसके लेबल्स में ऐसी चीजें ढूंढो, मतलब जैसे उसके टाइटल्स पढ़ लो सबसे पहले तो, और उसकी सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि ना क्लोज्ड पुल रिक्वेस्ट रहती है जो बंद हो चुकी है मर्ज्ड होके, मर्ज्ड क्लोज्ड पुल रिक्वेस्ट, उसमें क्या कोड कंट्रीब्यूशन हुआ है उसको पढ़ना चालू करो, ठीक है। दूसरा वो ठीक है, उसके बाद ना तुम्हें ना ये पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब उसकी भी ना वो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, देन तुम्हें ना ऑर्गेनाइजेशन को ना मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करो, और वो कैसे करोगे, तुम्हें ना तुमने रेफर कर लिया, मतलब तुमने ना वेब डेव पे चूज कर ली जीसॉक का वेबसाइट को रेफर करके, और मैं जीसॉक का वेबसाइट को रेफर करके क्यों बोल रहा हूँ, डायरेक्टली तुम गिटहब पे जाओगे फालतू, तुम्हें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी तो तुम्हें ना पूरा कचड़ा कर दोगे, ठीक है, कचड़ा कर दोगे इन द सेंस, तुम्हें ना बेस्ट पे यही रहता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने का, तुम्हें ना जीसॉक की वेबसाइट पे चले जाओ, और ना तुम्हें जैसे जीसॉक में आना है मतलब सिलेक्ट होना है तो तुम कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, तुम क्या करो, तुम्हें ना जैसे लेट सपोज अभी चल रहा है नवंबर, ठीक है, और इसके बाद तुम्हें ना अभी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है नवंबर से, अब है ना जीसॉक कब आएगा, जीसॉक आता है तुम्हारा इन द मंथ ऑफ मार्च में, तुम्हारी एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और
तुमने कब से नवंबर से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया? ठीक है, तुम सबसे पहले तो ये ढूंढो कि है ना क्या बोलते हैं, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है। सबसे बेस्ट चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पिछले 4 साल की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लो जो हमेशा सेलेक्ट होती आई है गूगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हमेशा सेलेक्ट होती आई है 4 साल में। पिछले 4 साल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई है उसको अपनी लिस्ट में डाल लो, ठीक है, और उसमें से तुम्हारे टेक स्टैक के अकॉर्डिंग जा सकते हो तुम। या अगर तुम्हें ना क्या बोलते हैं, तुम्हें तुमको यही लगता है कि ना भाई मेरे को तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है और टेक स्टैक मेरे को मायने नहीं रखता, मैं टेक स्टैक लर्न करूंगा फिर मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। तुम लास्ट 4-5 ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ली जो हमेशा सेलेक्ट होती आई है, तुम्हारे चांसेस क्या रहेंगे, तुम उन 4 ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते रहो, ठीक है, और है ना उसमें इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो कम से कम 30-35 पुल रिक्वेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिए अपने, 90% ये रहेगा कि है ना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे मैं बात करूं तो हर बंदा क्या चाहता है कि मतलब मैं जीसॉक में सिलेक्ट हो जाऊं, लेकिन 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 वो ये भी बोलता है कि ना मतलब जो भी ना तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स रहते हैं वो ये बोलते हैं कि ना इस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो देखना है, ना कि ये बंदा क्या क्या करते आ रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट किया है। जैसे मैं लेट सपोज फॉसिशिया की बात करूँ इस साल, तो मारियो सर जो है हमारे मारियो बैलिंग, उनने ये बोला था मैं बच्चों के सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन देखूंगा और उस बेसिस पे ना मैं जीसॉक के लिए बच्चों को करूंगा। उनने ये बोला था डायरेक्टली कि ना मेरे लिए प्रपोजल मैटर नहीं करता है, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। बेस्ट ओके देव, सो थैंक यू देव फॉर जॉइनिंग अस, मतलब इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एंड एक जो है कि अगर आप किसी चीज को लेके पैशनेट हैं तो आपकी डिग्री, आपके मार्क्स, आपका कॉलेज कुछ मैटर नहीं करता है, डेडिकेशन से काम करें एंड आपको सक्सेस 100% मिलेगी, जो बिगेस्ट इंस्पिरेशन इस पॉडकास्ट से हमें मिला है। सो कुछ भी सीखने को मिला है, अच्छा लगा, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब टू चैनल एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।